हेलो मित्रों, लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 के आगे आइए आज लेक्चर नंबर 2 में पढ़ते हैं। वहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे ही हम इसको शुरुआत करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में शुरुआत करते हैं कि भैया, ये अपनी पृथ्वी भी एक चुंबक है, इसका भी अपना चुंबकीय क्षेत्र है। हम अभी जानते हैं कि इस पृथ्वी में, पृथ्वी पर किसी भी बिंदु पर यदि चुंबकीय सुई रख दी जाए तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, रुकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी भी एक चुंबक है, पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि हम पढ़े हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई रखी जाती है तो सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिससे सुई एक निश्चित दिशा में घूमकर ठहर जाती है। तो यहाँ देखिए, सुई एक निश्चित दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी है। इसका मतलब हुआ कि यह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, और चुंबकीय क्षेत्र किसका है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। इसीलिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है। पृथ्वी एक चुंबक है। इसके चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ठीक, इसकी चर्चा हमने आपसे किया। हमने आपसे कहा कि पृथ्वी भी एक चुंबक है, अर्थात पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र है। हम पढ़े हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई रखी जाती है, लटकाई जाती है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाती है, तो वह सदैव एक निश्चित दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ये हम जान रहे हैं। तो जब हम यहाँ इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी भी एक चुंबक है। फिर से हमारी बात समझें। अगर हमको पहचानना है तो कहीं भी सेंट की सीसी खोल दीजिए, थोड़ी देर बाद सेंट महकने लगेगा, तो हम कहेंगे अरे कहीं सेंट रखा है। अर्थात यह पूरा का पूरा कमरा सेंट का क्षेत्र हो गया।
वैसे ही वैद्युत आवेश आप रखे थे तो इसके चारों ओर क्षेत्र था तो उसको आप वैद्युत क्षेत्र कहे थे। वैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक, ये भी चुंबक की भांति, ये भी उसी सेंट की सीसी की भांति है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो हम ये पढ़े हैं, पहचान कैसे है, सेंट की सीसी कहीं है, महक गई तो हम पहचान लिए। वैद्युत क्षेत्र की पहचान आप बताए थे कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, ये वैद्युत क्षेत्र की पहचान थी। चुंबकीय क्षेत्र की आप पहचान बताए हैं, क्या पहचान बताए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटका दी जाए तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, एक निश्चित दिशा में ही ठहरती है। क्लियर है? तो यह तो चुंबकीय क्षेत्र की पहचान हो गई। फिर से हमारी बात सुने, जैसे वैद्युत क्षेत्र को कैसे पहचानते हैं, वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लाया जाए तो या तो उस पर आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र की क्या पहचान है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई लटका दी जाए तो वह एक निश्चित दिशा में ही ठहरती है। क्लियर? यहाँ आप देखिए, कहीं भी मान लीजिए यही चुंबकीय सुई है, इसको हम इस पृथ्वी पर कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो भैया ये हमेशा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि चूंकि एक निश्चित दिशा में ठहर रही है, इसका मतलब यह सुई चुंबकीय क्षेत्र में है, चुंबकीय क्षेत्र में रहेगी तब ही एक निश्चित दिशा में ठहरेगी। सहमत हैं? फिर से क्लियर कर लें, बढ़िया से समझ लें। हमने आपसे बताया कि वैद्युत क्षेत्र की पहचान क्या है, कैसे पहचानें, तो आप तुरंत उत्तर दिए कि वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आएगा तो या तो यह आवेश आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। क्लियर है? ठीक वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की पहचान है, उसकी क्या पहचान है कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो यह सदैव एक निश्चित दिशा में ही ठहरती है। क्लियर हो गए? तो ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं, मान लीजिए कि यही चुंबकीय सुई है, आप अपने इसी क्षेत्र में कहीं भी इसको लाकर रख दीजिए तो आप देखिए ये घूमकर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। अब आप देखिए चुंबकीय सुई सदैव निश्चित दिशा में ठहर रही है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रही है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि यह चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। और यह चुंबकीय क्षेत्र किसका है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर हो गए? इसीलिए हमने कहा भैया पृथ्वी एक चुंबक है, जब ये एक चुंबक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी है। सही है? इसको कैसे पहचाने हैं कि जब हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। अब तो क्लियर हो गया? तो वही हमने आपसे कहा कि किसी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। अब तो क्लियर हो? चलिए मान लिए आप कह रहे हैं हाँ पृथ्वी एक चुंबक है, आप ये भी मान लिए ठीक है जब चुंबक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर? तो भैया चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि है, जैसे वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि थी उसकी दिशा किधर दिए थे, कैसे दिए थे? आपने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा
परीक्षण धनावेश की दिशा होती है, याद है। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे देंगे, देखिए आप याद कीजिए, थोड़ी देर पहले आप बताए थे किसी चुंबक के समीप स्थित चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, याद है आपको। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप बताए हैं, फिर से सुन लें, क्या बताए, किसी चुंबक के समीप स्थित चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब तो क्लियर है। तो आप कह रहे हैं कि जब आप चुंबकीय सुई को रखे तो चुंबकीय सुई क्या की, इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर, इसको या तो ऐसे करें हम लोग, याद कीजिए ये ऊपर वाले को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण, ऐसे हम लोग मानते हैं चित्र में, तो ऐसे ही दिखा दीजिए। ये सुई की नोक जो है ये उत्तरी ध्रुव है और ये दूसरा सिरा जो है वो दक्षिणी ध्रुव हो गया ना। तो अभी अभी हमने क्या कहा कि आप कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई जाए तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो यह नोक उत्तरी ध्रुव है उत्तर की ओर, तो दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ठहर गया, ठीक। और अभी दिशा कैसे बताए, याद कीजिए दिशा, दिशा कैसे बताएं, आप दिशा बता रहे हैं कि किसी चुंबक के समीप स्थित चुंबकीय सुई के दक्षिण से उत्तर की ओर, किधर, दक्षिण से उत्तर की ओर, माने ऐसे ऐसे ऐसे, इधर दक्षिण से उत्तर की ओर, बोलिए, दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई रेखा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो बताइए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हुई, देख रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक। तो यहां लिख दीजिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, बोलो भाई। तो पृथ्वी चुंबक है, चुंबक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, जब चुंबकीय क्षेत्र है तो इसकी दिशा भी होगी, दिशा किधर होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर, क्लियर। तो ये पृथ्वी के बारे में आप बताएं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे भी, चलिए इसको हम यहीं तक रखते हैं। आगे जरा ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लिया जाए। हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो भैया अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी हैं, पास पास हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है,
क्लियर हुए? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हों, घनी हों, सटी हों, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर? इसके विपरीत जब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हों तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्षीण होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर? और तीसरा, जिस स्थान पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों वहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर? आइए इन तीनों के यहाँ देख लें। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की क्या परिभाषा आप बताएं अभी? जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हों, घनी हों, सटी हों, वहां का चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जैसे ये ठीक, दूसरा क्षीण क्षीण या दुर्बल, दुर्बल वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड ठीक, क्षीण ऐसे, वीक मैग्नेटिक फील्ड। इसी के ठीक विपरीत जहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हों, जैसे ये ठीक, ये जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हों वहां का चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और तीसरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। याद कीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र आप पढ़े थे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, याद है? वैसे यहां भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ होती हैं, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, समांतर व समदूरस्थ, समांतर व समदूरस्थ, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट ठीक। जैसे यहां ये एक समान है ठीक। तो इस ढंग से आप पढ़े। आइए अब हम जरा चुंबक के बारे में कुछ
मूलभूत चीज़ें जानते हैं, इसको हम मिटाएं। आइए पढ़ते हैं चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल। जरा इसको बताने के पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, आप स्वतः जान जाएंगे। मान लीजिए लोहे की छीलन भरी रकाब है, रकाब मतलब ये बर्तन है, इसमें लोहे की छीलन भरी हुई है, ठीक, तो हम इसको कहते हैं लोहे की छीलन भरी हुई रकाब बर्तन। लोहे की छीलन कहाँ मिलेगी, याद कीजिए, आप दुकानों पर जाइए जहाँ लोहे की पतली पतली चादर छड़ में छेद करते हैं मशीनों से, वहाँ देखिए पतली पतली छीलन गिरी रहती है, क्लियर है। तो आप लोहे की छीलन एक बर्तन में भर लें, ठीक। अच्छा, अब उसमें मान लीजिए यह है छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक को उस रकाब में गिरा दीजिए, डाल दीजिए, क्लियर। आप क्या देखेंगे, क्या पाएंगे, सोचिए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में तो यह बात तय है कि अभी हम कहें भैया ये मिर्चा है तो आपको तुरंत पता है, आप सोच लेंगे, दिमाग आपका सोच लेगा, अरे तब तो ये तीखा होगा। वैसे ही हम कह रहे हैं भैया ये तो चुंबक है तो आपका दिमाग तुरंत सोच लिया, अरे तब तो ये लोहे को अपनी ओर खींचेगा, सही है कि नहीं। आइए तो हम इसे लोहे की छीलन भरी रकाब में ऐसे गिरा दें और ध्यान से देखें क्या होगा। आप तुरंत कहेंगे कि चुंबक पर लोहे की छीलन चिपक जाएगी, आकर्षित हो जाएगी, सही है। और सोचिए और ध्यान से देखिए, तो और जब आप ध्यान से देखते हैं तो ये किनारों पर, भैया किनारों पर ज़्यादा छीलन चिपकी रहती है, किनारों पर छीलन की मात्रा अधिक रहती है। और ध्यान से देखिए क्या मिला, जब और ध्यान से हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है जैसे जैसे हम बीच में जाते हैं छीलन की मात्रा घटती जाती है, ठीक, यहाँ तक कि बिल्कुल मध्य में एक भी छीलन नहीं चिपकी रहती है। प्रयोग समझ में आ रहा है, फिर से सुन लें, आप ये लोहे की छीलन भरी रकाब लीजिए, उसमें इस छड़ चुंबक को गिरा दीजिए, अब आप ध्यान से देखिए तो आपको जैसे हमने बताया कि जब हम कहते हैं भैया ये मिर्चा है तो आपका दिमाग तुरंत सोच लेता है, आप सोच लेते हैं अरे तब तो ये तीखा है। जब हम आपसे कहते हैं अरे भैया ये सांप, तो आपका दिमाग तुरंत सोच लेता है, आप पीछे हट जाते हैं, अरे सांप,
सांप माने ये डस लेगा, जहर उगलता है, आप डर जाते, आपका दिमाग तुरंत सोच लेता सांप, जहरीला सांप। आपसे अभी हम कहें भैया बिच्छू, तो आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत पीछे हट जाएंगे। तो आप क्यों, क्योंकि डर है कि बिच्छू अगर डंक मार देगा दर्द हो। वैसे ही अगर आपको हम कहें कि भैया ये चुंबक है, तो आपका दिमाग एट मोमेंट तुरंत क्षण भर में सोच लेगा, आप सोच लेंगे अरे तब तो ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्लियर है ना? तो लोहे की छीलन भरी रकाब में जब इसको आप डाले हैं, तो ये क्या किया, आपने तुरंत कह दिया कि अरे ये लोहे की छीलन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, लोहे की छीलन इस पर चिपक जाए। जब कहा गया कि और ध्यान से देखिए और आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो आप देखते हैं कि किनारों पर छीलन ज़्यादा मात्रा में चिपकी रहती है। क्लियर? और ध्यान से देखिए और क्या दिखाई पड़ा, तो आप देखते हैं आप ज़्यादा क्यूरियास्टिक होते हैं, तो ध्यान से देखते हैं जैसे जैसे आप भीतर अंदर बढ़ते हैं, भीतर बढ़ते हैं, छीलन की संख्या घटती जाती है, यहाँ तक कि बिल्कुल मध्य में एक भी छीलन नहीं चिपकी रहती। आप तो समझ गए। आइए यहाँ देखें, ये मान लीजिए ये छड़ चुंबक है, ठीक, मान लीजिए छड़ चुंबक है, तो आपने बताया कि यहाँ किनारों पर ज़्यादा छीलन चिपकी रहेगी, किनारों पर ज़्यादा छीलन चिपकी रहेगी ऐसे, और यहाँ बिल्कुल मध्य में एक भी छीलन नहीं रहेगी, यही आप बताए हैं ना। तो भैया फिर आप सोचिए कि आखिर किनारों पर ज़्यादा छीलन क्यों चिपकी है। तो आप कुछ देर दिमाग अपना लगाएंगे, दिमाग को भिड़ाएंगे, अपनी भाषा में कहिए, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी, इसका मतलब यहाँ किनारों पर गुण ज़्यादा है। गुण माने चुंबक का गुण, चुंबक का गुण माने चुंबकत्व। चुंबक का क्या गुण है, लोहे को अपनी ओर खींचना, यही तो हुआ। तो आप दिमाग में तुरंत सोचेंगे कि अच्छा यहाँ किनारों पर चुंबक का गुण अर्थात चुंबकत्व ज़्यादा है। भैया याद कीजिए, वह स्थान, वह क्षेत्र जहाँ चुंबकत्व महत्तम होता है ध्रुव कहलाता है, ये ध्रुव की परिभाषा है। पोल, चुंबकत्व महत्तम, ठीक। आपने बताया कि जहां ज्यादा छीलन चिपकी है, इसका मतलब वहां पर चुंबकत्व अधिक है, महत्तम है। तो वह स्थान, वह क्षेत्र, स्थान नहीं क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व महत्तम होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव वह क्षेत्र है जहां चुंबकत्व महत्तम होता है। क्लियर, समझ गए? ये ध्रुव की परिभाषा है, चुंबकीय ध्रुव की परिभाषा है, चुंबकीय ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव वह क्षेत्र है जहां चुंबकत्व महत्तम होता है। चलिए इसका विपरीत देखते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया ये जो एक स्थान, एक क्षेत्र, स्थान नहीं क्षेत्र, एक क्षेत्र वहां भी है जहां की एक भी छीलन नहीं चिपकी,
तो उसी के विपरीत आप अंदाजा लगा लिए किसका मतलब यहाँ पर चुंबकत्व अर्थात चुंबक का गुण चुंबकत्व नहीं है, शून्य है। ठीक, तो वह क्षेत्र जहाँ चुंबकत्व शून्य होता है उदासीन क्षेत्र कहलाता है, न्यूट्रल रीजन कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? उदासीन क्षेत्र। उदासीन क्षेत्र न्यूट्रल रीजन, या न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल रीजन या न्यूट्रल पॉइंट। तो उदासीन क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां चुंबकत्व शून्य होता है। ठीक, यह उदासीन क्षेत्र की परिभाषा है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ध्रुव नाम सर्वप्रथम पियरे डी मेरिकोट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये ध्रुव का नाम किसने दिया सबसे पहले? पियरे डी मेरिकोट। इस ध्रुव का नाम सर्वप्रथम पियरे डी मेरिकोट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। क्लियर? तो आइए ये ध्रुव के प्रकार पढ़ते हैं। ध्रुव क्लियर हो गया ना? ध्रुव वह क्षेत्र है जहां चुंबकत्व महत्तम होता है। एक्सपेरिमेंट बढ़िया समझ गए, उसी से परिभाषित कर ली। उदासीन क्षेत्र, उदासीन क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां चुंबकत्व शून्य होता है। ठीक, उदासीन क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां चुंबकत्व शून्य होता है। अब आइए पढ़ते हैं ध्रुव के प्रकार। टाइप्स ऑफ पोल्स, आप जरा एक्सपेरिमेंट कीजिए। मान लीजिए कि यह छड़ चुंबक है, इसके गुरुत्व केंद्र से एक धागे द्वारा बांधकर इसे लटका दीजिए और ये इधर उधर घूमेगी। ये आपकी छड़ चुंबक इधर उधर घूमेगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये स्थिर हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि छड़ चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अर्थात ये ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। कैसे पता चला? प्रयोग से। फिर प्रयोगों ने क्या किया? एक छड़ चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से धागे द्वारा बांध कर लटकाने से कुछ समय पश्चात यह चुंबक
एक निश्चित दिशा में उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। क्लियर। जो सिरा जो ध्रुव उत्तर की ओर होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल मान ले रहे हैं ये, और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ये चित्र एक बार बनाए हैं आप, यहाँ बना सकते हैं, अब समय लगेगा इसलिए छोड़ देते। फिर से सुन लें, प्रयोग देखिए फिर से। आपने कहा कि क्षण चुंबक को इसके गुरुत्व केंद्र से धागे द्वारा बांध कर लटका दें तो कुछ देर पश्चात यह घूमकर एक निश्चित दिशा अर्थात उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो जो ध्रुव उत्तर की ओर ठहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल या उत्तर खोजी ध्रुव नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसको हम साउथ सीकिंग पोल या दक्षिण खोजी ध्रुव या शॉर्ट में दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहते हैं। ठीक। नॉर्थ पोल को यन और साउथ पोल को यस से निरूपित किया जाता है। क्लियर हैं। और आगे चलिए पढ़ा जाए। यह नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऐसे बना लीजिए, ऐसे ये नॉर्थ पोल ये साउथ। और एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। आप याद कीजिए, आप विद्युत में पढ़े थे कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पढ़े थे ना। लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक वही स्थिति यहाँ भी है। हम एक चुंबक को उसके गुरुत्वाकर्षण से धागे द्वारा बांध कर लटका दें। आइए प्रयोग करते हैं। यहाँ ठीक, ये मान लीजिए इसका यह है नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, लटका दिए। और ये देखिए ये अपना दूसरा चुंबक है जिसकी ये नोक, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं नोक, नोक माने नॉर्थ पोल, क्लियर है ना, और दूसरा ये साउथ पोल हो गया। तो हम एक दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव को इस लटके हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाए। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि लटका हुआ चुंबक पहले यहाँ था, अब इसकी ओर आकर्षित हो गया। बोलो भैया, क्लियर है ना। देखिए ये नॉर्थ ये साउथ आकर्षित हो गया। फिर से एक्सपेरिमेंट समझें। एक चुंबक के गुरुत्वाकर्षण से धागे द्वारा बांध कर लटका दिए और इस दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस लटके हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाए। तो आप देखिए पहले यहाँ था, अभी क्या हुआ, यह चुंबक की ओर आकर्षित हो गया। ठीक। दूसरा एक्सपेरिमेंट कीजिए।
ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये देखिए साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, हमने क्या किया, एक चुंबक को गुरुत्व केंद्र द्वारा धागे से बांध कर देखिए लटका दिए, और ये हमारा दूसरा चुंबक है। इसके अब दक्षिण ध्रुव को इस लटके हुए चुंबक के देखिए दक्षिण ध्रुव के पास लाए। अब एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, पहले तो ये चुंबक यहां था, जैसे ही ये दक्षिण ध्रुव आया ये देखिए दूर हट गया, दूर भाग गया, यह रिपल हुआ। और यह अट्रैक्ट हुआ, रिपल और ये अट्रैक्ट, क्लियर। आकर्षण प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षित हुआ, और यह आकर्षित हुआ। देख रहे हैं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि जब देखिए बीजाते ध्रुव नॉर्थ साउथ पास पास लाए जाते हैं तो इनमें आकर्षण होता है, और जब सजातीय ध्रुव साउथ साउथ पास लाए जाते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी है। इनसे क्या सिद्ध हुआ कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्लियर। ये आपका हो गया, और आगे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे कि अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं, ये हम पढ़े थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भैया कि आप ध्यान दीजिए कि वहाँ आवेश में धनावेश अलग, ऋणावेश अलग होता है। जैसे ऋणावेश माने इलेक्ट्रॉन अलग होता है, धनावेश माने प्रोटॉन अलग होता है, लेकिन यहाँ ये ध्रुव ये अलग नहीं होते। आपसे बताएं कि हिंदी में एक चकोर पक्षी होता है जिसको हम लोग गांव में चकई चकवा कहते हैं। चकोर पक्षी के बारे में लोग बताते हैं कि वो हमेशा जोड़े में रहते हैं, जोड़ा मतलब मेल फीमेल, पति पत्नी दोनों साथ ही रहते हैं, क्लियर। अब इससे आसान भाषा तो हम नहीं बता सकते। तो ये भैया कुछ भोजन इत्यादि नहीं करते, ऐसा माना जाता है कि रात में जो चंद्रमा निकलता है दिखाई पड़ता है, और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा निकलता है मतलब जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, उसी दिन वह चंद्रमा को देखते रहते हैं और उसी की रोशनी का वो पान करते हैं, ऐसा माना जाता है चकोर पक्षी। और ये प्रायः नदी के किनारे पाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि यदि इनमें से किसी एक को यदि नदी के दूसरे किनारे पहुंचा दिया जाए तब फिर एक दूसरे के अलगाव बिलगाव के कारण, दुख के कारण,
ये अपना सर पटक पटक कर मर जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार चकोर के जोड़े अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं किए जा सकते, ठीक उसी प्रकार ये आपके चुंबक के ध्रुवों को भी अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एन आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अब देखिए कैसे। मान लीजिए बंधु कि ये आपका चुंबक है, आप प्रयोग कीजिए, ये फिजिक्स है, फिजिक्स केवल प्रयोग पर चलती है, आप प्रयोग कीजिए। आप देखिए आपके घर गांव में रेडियो में चुंबक लगा रहता है, आप कौतूहल बस रेडियो खराब हो गया, चुंबक निकाल लिए और चुंबक गिर गया जमीन पर और वो कई टुकड़ों में टूट गया। सही है? अब आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, ये चुंबक के दो टुकड़े अब हो गए। आप बताइए इस टुकड़े को उठाकर लोहे पर चिपकाते हैं, चिपकता है कि नहीं चिपकता है? चिपकता है। इसके दूसरे टुकड़े को भी अगर लोहे से लगाते हैं तब भी चिपकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका यह टुकड़ा भी अब भी चुंबक है, इसका यह टुकड़ा भी अब भी चुंबक है। चुंबक है का मतलब, चुंबक का एक ही मतलब है कि इसमें उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, अर्थात दोनों ध्रुव हैं। अब तो समझ गए? यहां देखिए, ये है, इसको हम यहां बीच से ऐसे काट दिए, तोड़ दिए। ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। बीच से जब हम तोड़ेंगे तो यह आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे। यह दक्षिणी ध्रुव है, यह उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, ऐसे। यह उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। कुल मिलाकर के प्रत्येक टुकड़ा नया चुंबक बन जाता है। आप तो सोचे क्या कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, हम इसको ऐसे तोड़ दिए, उत्तरी ध्रुव अलग हो गया, दक्षिणी ध्रुव अलग हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होता। वही जो हमारा उदाहरण अभी चकई चकवा चकोर पक्षी का लिए थे, हूबहू उसी की भाँ। और दूसरा उदाहरण तो आप समझदार हैं, जब आप चुंबक लिए और जमीन पर गिरा, कई टुकड़ों में कई खंडों में टूट गया, आप उसका एक खंड उठाकर लोहे पर लगाते हैं, देखिए चिपक जाता है। इसका मतलब वो खंड भी चुंबक है। आप किसी भी खंड को लाकर लोहे पर लगाते हैं और चिपक जाता है, इसका मतलब प्रत्येक खंड अब भी चुंबक है। चुंबक है का एक ही अर्थ हुआ कि उसमें उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। अर्थात आपने ध्रुव को, नॉर्थ पोल को, साउथ पोल को अलग नहीं कर पाए। ठीक? तो इसीलिए कहा जाता है कि एन आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक? आइए और आगे देखें। चलिए छोड़िए, आगे अगले चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक्स।